मेहता का उल्टा चश्मा। आज तारक को उनका मन पसंद खाना खिलाकर खुश कर दूंगी। कल से डाइट प्लान शुरू करूंगी। क्या खुशबू है भाई, वाह 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 वाह। अंजलि 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 आ गई। क्या खुशबू आ रही है भाई, खुशबू इतनी अच्छी आ रही है तो तुमने खाना कितना कमाल का बनाया होगा भाई। आज बात क्या, आज हमारी एनिवर्सरी है क्या? आपको हमारी एनिवर्सरी याद नहीं है? कैसी बातें कर रही हो अंजलि, मुझे एनिवर्सरी याद नहीं होगी? 100% याद है। और मैं शादी की एनिवर्सरी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस एनिवर्सरी की बात कर रहा हूँ जब हम पहली बार मिले थे। तो आपको वो भी याद नहीं है? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। अरे अंजलि, डेट्स में क्या रखा है, ये तारीखें तो हमेशा के लिए जहन में बस जाती है। लेकिन तुम्हें इतना प्यार आया ना मुझ पे, तो अचानक मुझे लगा कि इतनी तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ तारक, तबीयत बिल्कुल ठीक है। बातों में वक्त क्या जाया कर रहे हैं, चलिए ना जल्दी से फ्रेश हो जाइए, मैं डिनर टेबल रेडी करती हूँ। अचानक मुझे जब हमारी नई नई शादी हुई थी ना, वो दिन याद आ गए। धीरे धीरे बहुत कुछ याद आ जाएगा। मतलब? मतलब कुछ नहीं, आप चलिए चलिए फ्रेश हो जाइए, मैं खाना लगाती हूँ। आ गया, तैयार होके आ गया, स्पेशल डिनर तैयार है। अरे वाह, मेथी मलाई मटर, ये है जीरा राइस, ये है दाल मखनी, अरे और ये है मलाई कोफ्ता। मलाई कोफ्ता, अरे और भी है, पनीर टिक्का और आपका फेवरेट मसाला पापड़, वो भी तला हुआ। अंजलि एक छोटा सा काम करो ना प्लीज, ये चिमटी काटो ना सर प्लीज। मतलब ये सपना नहीं है, सब सही है, सच है? हाँ सच है, बिल्कुल सच है। एक चीज समझ में नहीं आ रही अंजलि, आज अचानक इतनी मेहरबानी कैसे? सरप्राइज। क्या सरप्राइज अंजलि? वो तो आपको कल सुबह को ही पता चलेगा। क्या सरप्राइज होगा? अरे किस सोच में, चलिए जल्दी से बैठ जाइए और डिनर एंजॉय कीजिए। आपको सोडा शॉप भी तो जाना है इसके बाद। अच्छा तो आप स्टार्टर से शुरू कीजिए, मैं गर्मा गर्म रोटियां लाती हूँ। मैं ले लूंगा। मैं अभी ला। पनीर टिक्का कैसी बनी है? अरे बहुत बढ़िया। क्या बात है अंजलि, शब्द नहीं मेरे पास, लाजवाब। खा लो तारक खा लो, आज जितना मसालेदार खाना है खा लो, तुम्हारी असली परीक्षा तो कल से शुरू होगी। ये एकदम सही बात है। दोस्तों क्या बात है, मेहता साहब बहुत खुश लग रहे हैं। अरे पूछो मत भाई, पूछो मत, खुश होने वाली बात ही है। इतना जबरदस्त स्वादिष्ट खाना खा के आ रहा हूँ कि मुझे अभी तक स्वाद नहीं गया, मजा ही आ गया। अच्छा कहाँ खाया? अरे घर पे खाया भाई, मैंने तुम्हें बताया था ना फोन पे, अंजलि आज स्वादिष्ट खाना बनाने वाली है। अरे हाँ हाँ, क्या क्या बनाया था स्वादिष्ट खाना? अरे मेथी मलाई मटर, पनीर टिक्का, दाल मखनी, मलाई कोफ्ता, जीरा राइस, मसाला पापड़, रोटी। बस बस मेहता साहब, और नाम मत लीजिए वरना फिर से भूख लग जाएगी। बात तो बिल्कुल सही कही आपने भाई है। अरे अब्दुल, इस बात पे सबको डबल नींबू मार के छोड़ा दो मेरी तरफ से। ओके हो जाएगा। क्या बात है मेहता साहब, अंजलि भाभी इतनी मेहरबान हो गई आप पर, कोई खास कारण? अरे भाई इसी सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है मुझे, कह रही है कल कोई सरप्राइज देगी, पर अब वो सरप्राइज क्या वही जाने। मेहता साहब जरूर अंजलि भाभी को कोई गिफ्ट चाहिए होगा, इसलिए वो आपको मत क्या लगा रहा है। वो ऐसा भी तो हो सकता है कि आपका साला साली या आपकी सास रहने आने वाली हो। ओ यारो, बीवी हद से ज्यादा खुश तभी होती है जब मैके से कोई रहने आने वाला होता है। सही बात है। नहीं नहीं मेहता साहब, जब भी बीवी बिना वजह इतनी खुश होती है ना, तो थोड़ा संभलना पड़ता है, आप संभलना जरा। हाँ ये भी सही बात है। नहीं, बात तुम्हारी बिल्कुल ठीक है जयशाल, देखते हैं क्या है सरप्राइज, वो तो कल ही पता चलेगा।
मैंने आज उनको उनका मन पसंद मसालेदार खाना खिलाया। डाइट की तो बात भी नहीं की। कब उन्हें सरप्राइज दूंगी। वेरी गुड, वेल प्लेड अंजलि भाभी। कल सुबह जब मेहता साहब को सरप्राइज मिलेगा ना, तो उनकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। बिल्कुल, लेकिन टेंशन सिर्फ एक पार्ट की है कि मेहता साहब ने कहीं वो खिलाड़ी डाइट प्लान के बारे में सुन के मना कर दिया तो। हाँ, अरे बिल्कुल नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तारक को मना कराऊंगी। ताम दाम दंड भेद, हर नीति अपनाऊंगी, लेकिन इस बार उन्हें खिलाड़ी डाइट फॉलो करना ही पड़ेगा। और इसमें हमारी कोई मदद चाहिए तो बोलना। हाँ अंजलि भाभी। हाँ हाँ, मदद तो चाहिए। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, आप अपने पतियों से कहना कि तारक को बाहर का खाना बिल्कुल ना खिलाए। ओके। और उनकी कोई भी मदद ना करे। थैंक यू। और हाँ, जेठा भाई से भी कहना पड़ेगा कि वो तारक को बाहर खिलाने ना ले जाए। इस बार तारक को खिलाड़ी डाइट फॉलो करना ही पड़ेगा। कैसे आप? चलिए चलते। अरे नहीं, आप लोग बैठिए ना प्लीज। नहीं नहीं, बस अभी हम निकलते हैं, काफी लेट हो गया है। हाँ, गुड नाइट। बाय बाय। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। मेरा महबूब सरप्राइज देने वाला है, सरप्राइज देने वाला है। सारा ये क्या बचपन है, कोई देखेगा तो क्या कहेगा। क्या कहेगा? कहेगा कि मेहता साहब बाहर आ गए। अच्छा अच्छा, अंजलि अंजलि बताओ ना प्लीज, कल सुबह क्या सरप्राइज देने वाली हो मुझे? अरे इतनी भी क्या जल्दी है, थोड़ा इंतजार कीजिए, कल खुद ब खुद पता चल जाएगा। मुझे पता चल गया, तुम्हारा सरप्राइज ये है कि तुम मुझे कुछ बहुत बढ़िया सा टेस्टी सा शानदार खिलाने वाली हो कल सुबह, है ना? है ना? मैं अभी कुछ नहीं कहने वाली, लेकिन एक बात तो पक्की है, कल जब आपको पता चलेगा कि सरप्राइज क्या है, आप खुशी से उछल पड़ेंगे। लेकिन बस आपको सुबह तक का इंतजार करना पड़ेगा। ओम मित्राय नमः, रवे नमः, सूर्याय नमः, भानवे नमः, खगाय नमः, पूषणे नमः, ओम हिरणगर्भाय नमः, मरीचाय नमः, आदित्याय नमः, सवित्रे नमः, वर्काय नमः, भास्कराय नमः, आदि देव नमस्तुभ्यं, प्रसिद्ध नमः, भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं, प्रभाकर नमोस्तुते। गुड मॉर्निंग बबीता जी। अरे हाय। गुड मॉर्निंग बबीता जी। गुड मॉर्निंग अय्यर भाई। गुड मॉर्निंग जेठा जी। गुड मॉर्निंग जय ललन। वाह वाह बबीता जी, आप कमाल है, गजब कर दिया आपने तो। बबीता ने क्या गजब कर दिया? आपको फिट कर दिया। किधर फिट कर दिया? अरे किधर फिट कर दिया क्या, जरा आईने में अपने आपको देखो, आपको कसरत करवा करवा के बबीता जी ने कितना फिट कर दिया आपको। अच्छा ऐसा बोल रहे हो जनरल, मैं तो फिट हो गया, तुम कभी फिट होएगा? बबीता जी से पूछिए। मुझसे क्यों? जैसे आपको कसरत करवा करवा के फिट कर दिया, वैसे अगर बबीता जी मुझे भी कसरत करवाएंगे तो मैं भी फिट हो जाऊंगा, क्यों बबीता जी? क्या जीठा जी, आप भी क्या ये डाला, सुबह सुबह टाइम पास करता है, दुकान नहीं जाना है क्या? नहीं नहीं जाना है ना, तो फिर जाओ। अरे क्या जाओ, अभी नाश्ता बाकी है, पहले नाश्ता करूंगा फिर जाऊंगा। तो फिर नाश्ता करने जाओ। नाश्ते से अच्छा याद है अय्यर भाई, याद है कल रात को मेहता साहब ने कहा था कि अंजलि भाभी को नाश्ते में सरप्राइज आइटम बनाने वाले, तो चलो मेहता साहब के घर पे जाते हैं नाश्ता करने। वो अय्यर नहीं जा सकता है। क्यों? वो अय्यर के फिटनेस रिजिम के हिसाब से ना, मैंने एक स्पेशल ब्रेकफास्ट तैयार किया है जो अय्यर मिस नहीं कर सकता है। तो आप चलिए, मेरा भी सेम ब्रेकफास्ट है। तो जनरल तुम जाओ, है चलो बबीता। अचानक ये स्पेशल ब्रेकफास्ट, ऊपर चलो सब बताती हूँ। ये अंजलि भाभी के नाश्ते का अच्छा याद आ गया, मैं तो सबके घर पे ही जाके नाश्ता करता हूँ, लेकिन कहीं उन्होंने नाश्ता कर लिया होगा तो फोन करके पूछ लेता हूँ। हाँ जेठालाल बोलो। अरे मेहता साहब, कल रात को सोडा शॉप पे आप सरप्राइज नाश्ते के बारे में बात कर रहे थे, तो मिल गई सरप्राइज आपको? अरे नहीं भाई, कहाँ मिला अब तक सरप्राइज, मैं भी उसी इंतजार में हूँ जेठा, अंजलि रसोई में ही इतनी देर से। अरे वाह,
तो मैं क्या कहता हूँ, मैं भी आ जाऊँ नाश्ता करने। अरे कोई पूछने वाली बात है जेठालाल, चले आओ एक से भले दो, बहुत मजा आएगा, आ जाओ। ठीक है आता हूँ। अच्छा लेकिन आप जरा अंजलि भाभी को बता देना मैं भी आ रहा हूँ नाश्ता करने, पर ना पता चला अंजलि भाभी को सरप्राइज मिल गई। नहीं बोलता हूँ। ओके आया चलो आया। हाँ दादाजी, आज तो पापा फाफड़ा जलेबी खमन ढोकला कचौरी देख के तो मोर की तरह नाचने लगेंगे। हाँ लेकिन भाई मोर है कहाँ? अरे जेठिया। हाँ बापू जी। अरे चल भाई चल जेठिया, ये देख नाश्ते में क्या है। देखिए पापा, फाफड़ा जलेबी खमन ढोकला कचौरी मीठी चटनी तीखी चटनी, ये इतना सारा नाश्ता। अरे आज वो पद्मावती का जन्मदिन है। कौन पद्मावती? मतलब पद्मावती भोजनालय, आज उनको 21 साल पूरे हुए हैं, तो उस खुशी में उन लोगों ने इतना सारा नाश्ता भेजा है। क्या हुआ जेठा, तेरा फेवरेट नाश्ता देख के तू खुश होने के बजाय दुखी क्यों हो रहा है? मुझे अभी मेहता साहब के घर पे नाश्ता करने जाना है बापूजी। वहाँ तो सब डाइट वाले रहते हैं ना। तू आज डाइट वाला नाश्ता करेगा? नहीं तो वो अंजलि बाबी मेहता साहब को कुछ सरप्राइज देने वाले हैं, तो सरप्राइज में वो कुछ चटाकेदार मसालेदार नाश्ता बनाने वाले हैं। तो मेहता साहब ने मुझे बोला कि तुम भी आ जाओ नाश्ता करने के लिए। नहीं ठीक है जा। तो क्या जा बापूजी, ये सब छोड़ के कैसे जाऊं? तो पद्मावती भोजनालय को भी आज ही भेजना था ये सब नाश्ता। अरे ठीक है ना जेठिया, ये सब तो तू अवर नवार खाता है, आज अंजलि बेटी ने कुछ अलग बनाया होगा है। तू जा तुझे मजा आएगा जा। बापूजी मैं क्या कहता हूँ, आप और टप्पू भी चलिए ना, वहीं जाते हैं। नहीं भाई ये सब कौन खाएगा? मैं ये कह रहा हूँ ये सब नाश्ता भी वहीं लेके जाते ना, वहीं खाते हैं सब मिलके। अरे नहीं भाई, ये सब वहाँ लेकर जाएंगे तो मैं तुझे ये सब देख के इसी पे टूट पड़ेगा, फिर बेचारी अंजलि बेटी ने प्यार से जो बनाया होगा वो कौन खाएगा? लेकिन दादाजी हम दोनों मिलके भी इतना सारा नाश्ता नहीं खा पाएंगे, बहुत बच जाएगा। अरे कोई बात नहीं बेटा, टप्पू सेना है ना, टप्पू सेना के साथ पार्टी कर लेना। ओके दादाजी। अरे तू अभी तक यहीं खड़ा है? नहीं बस जा रहा हूँ। अच्छा बापूजी मैं वहीं से दुकान के लिए निकल जाऊंगा। ठीक है। जय जिनेंद्र। हाँ जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। देखिया चल भाई। हाँ हम लोग तो शुरू करें। अरे अंजलि कहाँ हो भाई, कितनी तैयारी करोगी, कहाँ है तुम्हारा सरप्राइज? बस रेडी हो गया है, अभी लाती हूँ। हाँ रेडी हो गया अंजलि, तुम जानती हो तुम्हारे सरप्राइज के चक्कर में मैं रात को सोया नहीं हूँ, मुझे जानना है क्या है ये। अरे आज मैंने ऐसा सरप्राइज बनाया है जो आपने जिंदगी में कभी नहीं खाया होगा, मतलब आप खा के पागल हो जाएंगे। मैं पागल होना चाहता हूँ अंजलि, पागल होना चाहता हूँ, जल्दी लाओ। अंजलि भाभी को बता दिया ना? हाँ हाँ जेठा भाई, तारक ने मुझे बता दिया है कि आज आप नाश्ता यही करेंगे। मजा आ गया। चलो अच्छा है, आज दोनों दोस्तों को साथ में सरप्राइज मिलेगा। वाह वैसे क्या नाश्ता क्या बनाया आपने अंजलि भाभी? वही पूछ रहा हूँ मैं इतनी देर से। सब पता चल जाएगा, थोड़ा सब्र कीजिए। सबसे पहले आप दोनों अपनी आंखें बंद कीजिए और यहीं बैठिए, मैं स्पेशल नाश्ता अभी लाई। लाइए ठीक है। अंजलि जिस हिसाब से बातचीत कर रही है ना, बता रही है ऐसी तैयारी की है और आंखें बंद कीजिए, लगता है कुछ ऐसा जबरदस्त सरप्राइज होगा कि जिंदगी भर याद रहेगा। लग तो ऐसा ही रहा है मेहता साहब। तो फिर आंखें बंद करेंगे नहीं करें? आंखें तो बंद करनी पड़ेगी ना, बोला है ना अंजलि भाभी ने, पता चला हमने आंखें बंद नहीं की और उन्होंने देख लिया तो कहीं नाराज होकर नाश्ता लेके वापस नहीं चले जाए भाई? नहीं ये चांस नहीं ले सकते भाई, तो बैठो बैठो आग बंद करके बैठ जाते हैं। वाह देखते हैं क्या बना है। जेठालाल आग बंद है ना? हाँ बंद है। आपकी भी बंद है ना? अरे जेठालाल अगर मेरी आंखें खुली होती तो मुझे नजर आता ना कि तुम्हारी आंखें बंद है कि नहीं, मैं पूछता थोड़ी। बराबर। अरे वाह, अरे वो तो खुशबू से ही पता चल रहा है। क्या खुशबू आ रही है।
ये खुशबू शुद्ध घी की खुशबू है मेहता साहब। हाँ हाँ घी की। अंजलि भाभी अपना हलवा बनाया है। एकदम करेक्ट चेटा भाई, ये हलवा ही है। आंखें बंद, आंखें बंद, आंखें नहीं खोलना, आंखें बंद। ओके आंखें बंद मेहता साहब, आंखें बंद, आंखें बंद, आंखें बंद, आंखें बंद। मेहता साहब नाश्ते में हलवा है। चाची है। अरे ताली ताली। अच्छा अच्छा अच्छा, हलवे की ताली, हलवे की ताली, हलवे की ताली। हलवा मेहता साहब मजा आएगा। मजा मतलब पूछो मत। अंजलि तुम अंजलि नहीं हो क्या? अरे मतलब तुम अंजलि हो, एंजल जैसी अंजलि। जैसल एंजल, फरिश्ता फरिश्ता। वाह मेहता साहब, बंद आंखों से भी आपने मेरी दुविधा समझ ली। जेठालाल सच्चा मित्र वही है जो बंद आंखों से भी मित्र की समस्या समझ ले, खुली आंखों से समझे तो क्या मित्र। वाह, चलिए बातों में वक्त जाया मत कीजिए और जल्दी से हलवे का स्वाद लीजिए। और तारक हाँ। मैं आपको अपने हाथ से खिलाऊंगी, आप आंखें मत खोलना। हाँ बिल्कुल, हाथों से, इतने प्यारे प्यारे हाथों से खिलाऊंगी। तो अंजलि भाभी मैं तो अभी आंखें खोल सकता हूँ ना? हाँ आप आके खोल सकते हैं। थैंक यू अंजलि भाभी। ये लीजिए आपका हलवा। वाह वाह वाह। आंखें मत खोलना, नो चीटिंग। आर यू रेडी? आ करो आ। क्या हुआ मेहता सर? अरे धोखा हुआ हमारे साथ। ये हलवा नहीं है, हलवा है। अच्छा करेले का। अंजलि क्या है भाई, है हद करती हो तुम, सरप्राइज कोई ऐसा देता है क्या? अरे करेले ने भी कभी सपने में नहीं सोचा होगा कि उसका हलवा बनाया जा सकता है। ये सरप्राइज अच्छा नहीं लगा? अच्छा तो ये सरप्राइज जरूर अच्छा लगेगा। ये क्या है? होटल का बिल जो आपकी जेब से मिला है। बिल मिलने से क्या साबित होता है? उधर उधर। हाँ तो बिल मिलने से क्या साबित होता है अंजलि? क्या साबित होता है? ये साबित नहीं होता कि आप होटल में जाकर खाना खाते हैं? मैं? देखो तो कैसी बात है, जब मैं एक बिल मिल गया मतलब मैं होटल में खाना खाने जाता हूँ, ये कोई बात हुई अंजलि? अरे इस आधार पे तो जेठाल की जेब में पेन है तो क्या लेखक हो क्या? नहीं मेरे पास पेन नहीं है। अरे उदाहरण दे रहा हूँ जेठालाल, मान लो तुम्हारी जेब में पेन है तो क्या तुम लेखक हो जाओगे? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। नहीं यही मैं कह रहा हूँ, ठीक इसी तरह से अगर मेरे पैंट की जेब में अगर होटल का बिल मिल गया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं होटल में खाना खाने गया था। अच्छा तो फिर ये बिल आपकी जेब में क्या कर रहा था? मेरी जेब में क्या कर रहा है? ये बिल्कुल जायज प्रश्न है कि मेरी जेब में क्या कर रहा है। हमारे होटल के मतलब होटल के क्या, मेरे ऑफिस के कुछ कोलीग्स जो हमारे सहकर्मी हैं वो गए थे तो उन्होंने ये बिल मुझे दिया और कहा कि भाई अकाउंट्स वाले को दे देना, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में बिल देना। मैंने कहा ठीक है भाई, वो कहीं जा रहे थे बाहर काम से, मैंने कहा मैं दे दूंगा। और फिर मैं अकाउंट्स में देना भूल गया तो वो मेरी पैंट की जेब में रह गया। अच्छा तो आप होटल में खाना खाने नहीं गए थे? अंजलि ये सवाल ही कैसे कर सकती हो तुम इतने प्यार से अपने प्यारे प्यारे हाथों से इतना परिश्रम करके मुझे टिफिन बना के देती हो और वो टिफिन छोड़ के मैं होटल में खाना खाने जाऊंगा? अच्छा तो काशीनाथ भाई झूठ बोल रहे थे? कौन काशीनाथ? कौन पियून है हमारे ऑफिस में। वो क्या कह रहा था? वो कह रहे थे कि तारक रोज उन्हें अपना टिफिन देकर होटल में खाना खाने जाते हैं। क्या किया जाए? मान लो। क्या क्या क्या? जेठा भाई कुछ बोले? नहीं जेठा लाल ने कुछ नहीं बोला। नहीं मैंने सुना इन्होंने कुछ बोला अभी। जेठा लाल तुमने कुछ बोला क्या? नहीं नहीं नहीं, जेठालाल ने कुछ नहीं बोला, लेकिन अंजलि को मेरी बात पे यकीन नहीं है, उसे तो काशीनाथ की बात पे यकीन है।
सॉरी तारक, मुझे ना काशीनाथ भाई की बात पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। अरे उस पे कतई भरोसा नहीं कर सकती, तुम एक नंबर का झूठा है वो। हाँ चलो इंसान झूठ बोल सकते हैं, पर क्या तस्वीरें भी झूठ बोलती है? क्या कहना चाहती हो तुम? ये देखिए, गौर से देखिए इस तस्वीर को। ये आप ही है ना या फिर कोई और? दोस्तों पुरानी फिल्म में आपने डायलॉग कई बार सुना होगा। अपने आप को कानून के हवाले कर दो, पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है, अब बचने की कोई उम्मीद नहीं है। यही हाल मेरा है इस वक्त, बचने की कोई उम्मीद नहीं है। अंजलि मानो मुझसे कह रही है कि अपने आप को मेरे हवाले कर दो तारक, मैंने तुम्हें चारों ओर से घेर लिया है, सचमुच घेर लिया है। पकड़ा गया हूं ना मैं, झूठ पकड़ा गया मेरा भाई। अंजलि को मैंने कहा था कि भाई वही टिफिन खाता हूं जो तुम देती हो, लेकिन अंजलि ने सबूत सामने रख दिए हैं, वो फोटोज जिनमें मैं रेस्टोरेंट में बैठ के मजे से मसालेदार खाना खा रहा हूं। बहुत बुरा हाल होगा मेरा, मेरी हालत खराब होने वाली है, पसीना ऐसा निकल रहा है कि पसीने की बाढ़ में डूब ही जाऊंगा। दोस्तों घायल शेरनी और घायल बीवी दोनों का गुस्सा सातवें आसमान पे होता है। आपको जिंदगी की सबसे बड़ी सलाह दे रहा हूं, अगर खुश रहना है प्रसन्न रहना है तो मेरी तरह गलती मत कीजिएगा, और कर भी लें तो पकड़े मत जाइएगा। अब मेरा क्या हाल होता है ये तो ईश्वर जाने, लेकिन यहाँ चाहे जो हाल हो आपका हंस हंस के हाल बुरा होगा जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.